अब ये सम तो बहुत अच्छा सम है बच्चे लोग थोड़ा सा ट्रिक समय लेकिन अच्छा है समय डीवास माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्सर माइनस मैंने बताया मोस्टली सम एम डी एक्स प्लस एन डीवाई वाले होते हैं रियरली समीवाई बाई डी एक्स वाले होते हैं तो कुछ दिए सॉल्व में अनसोल्व में आपको सम देख के समझ में आएगा कौन से सम एग्जैक्टनेस के बच्चे लोग इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा तो सिंपल लॉजिक है आप इसे क्रॉस मोडिशन करके एमडीएस प्लस एनडीवा इज इक्वल टू जीरो बहुत सिंपल है अभी टेन वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस माइनस से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स टाइम वाई

माइनस के आएगा माइनस एक्स स्क्स एक्स टू स्क्सर अभी आप लोगों को ये पार्ट मालूम हो गया बहुत सिंपल है बच्चे लोग देखो मैं क्या बोल रहा हूं हम वर्ल्ड क्लास सीख रहे हैं सबसे पहले तो वर्ल्ड क्लास सीख रहे हैं आपको प्रॉपर आना चाहिए सब चीजें प्रॉपर आएगा और आप लोग होशियार है नाउ व्हाट इज डायब वाई एम का वाई से

जीरो हो जाएगा ये टर्म का डे टू जीरो हो जाएगा अभी हम लोग क्या करेंगे ये से स्क्वायर माइनस वन अभी ये दोनों सेम है अरे हाँ सेम है क्योंकि आप इसे से स्क्वायर वाई माइनस वन अगर आप साथ में लिखोगे ना तो इसका वैल्यू टेन स्क्वायर आता है आइडेंटिटी से क्यों आपको एक आइडेंटिटी मालूम है हर बच्चे को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो बराबर से स्क्र माइनस वन टैंस कराएगा ये फॉर्मुला हमने यूज किया बच्चों अभी देखो ये सम यहाँ पर है बच्चों को लगता ही नहीं कि सेम करके लेकिन टैंस माइनस वन इज से स्क्सर सॉरी स्क्र माइनस वन इज टैंड स्क्र से स्क्र माइनस वन इज टैंड इससे आप बता सकते हैं बोथ वैल्यूज आर सेम तो यहां पर लिखता हूं दिस इंप्लाइज डाबा एम बाय डाबा वाई इज इक्वल टू डाबा एन बाय डाबा एक्स एंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड स्टेप जनरल सोल्यूशन इज बोलो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो पर वाई कॉन्स्टेंट लोगे यहां पर फ्री एक्स लेना बहुत सिंपल है अभी बोलो एम की जगह पर क्या रखोगे टेन वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई इन टू डी प्रैक्टिस करने के बाद में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक समझ में आता है बच्चा प्रैक्टिस करना ही है एक सम तीन बार लिखना ही है एक सम तीन बार लिखना ही है प्लस टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स एन में ऐसे टर्म बताना जहां पर एक्स नहीं है तो यहां पर फर्स्ट टर्म एक से नहीं लेंगे सेकंड टर्म एक से नहीं लेंगे लास्ट टर्म लेना पड़ेगा माइनस के साथ माइनस सेक रेस्ट टू टू आई डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अब यहां पर टेन वाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स माइनस टू वाई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई वाई बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स और लास्ट में माइनस सेक रेस्ट टू टू वाई डी वाईज इक्वल टू क्वास्टर मुझे विश्वास है सबको समझ में आएगा टेन वाई बच्चे लोग टेन वाई वन इज एक्स माइनस टू वाई वक्स बाई टू माइनस वाई एक्स माइनस विक्सर इज टेन वाई एंड दिस इज इक्वल टू सी इन दिस वे वी गेट आंसर मुझे विश्वास है हर बच्चे को प्रॉपर समझ में आया मुझे विश्वास है हर बच्चों को प्रॉपर समझ में आया बहुत सिंपल बच्चे लोग फर्स्ट स्टेप में हम कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक करते हैं सेकंड स्टेप में हम लोग जनरल सोल्यूशन का फॉर्म करते हैं बच्चों को बहुत सारे बच्चे इसे मिलते हैं उनको एग्जाम में कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस याद नहीं आता मतलब एम को वाई से करना या एक्स से करना यही नहीं समझता याद नहीं आता कुछ बच्चों को जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला याद नहीं आता इसलिए मैं आइडिया बता रहा हूं क्रॉस लेना एम होगा तो वाई से एन होगा तो एक्स से कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन में सिंपल तीनों टर्म को इंटीग्रेशन ले लो इतना सिंपल है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग अभी एक पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx a1x plus b1y plus c1 अपॉन टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू दिस इज नॉन होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसका आंसर अगर फाइंड करना है बेसिक मेथड से तो बहुत टाइम वेस्ट होता है तो कुछ नॉन होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नॉन होम डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये हम एग्जैक्ट से कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट इफ बी वन इक्वल टू माइनस ए टू बोलो बच्चे लोग बी वन इक्वल टू माइनस ए टू बोलो बच्चे लोग बी वन इक्वल टू माइनस ए टू मतलब न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट ऑफ x इफ दे आर डिफरेंट इन माइनस साइन देन वी कैन से दैट गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट ये पार्ट कोएफिशिएंट ऑफ y इन न्यूमरेटर इज यू कल डू को डिनोमीटर और माइनस का डिफरेंस होना चाहिए और माइनस का डिफरेंस होना चाहिए इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो हम एग्जाम्पल एग्जैक्ट से कर पाएंगे और इसका आंसर आपको थर्टी सेकंड के अंदर मिल जाएगा बच्चों लोग को अदरवाइज बहुत टाइम वेस्ट होता है और एग्जाम में वही पूछते हैं आपको मोस्टली यही दिया जाता है ये दिया जाता है और ये कंडीशन दे देते हैं लेकिन बच्चे वही पूरा नहीं करते हैं और कभी आंसर आता नहीं और कुछ बच्चों को ये बहुत मालूम होता है बोलो न्यूमरेट ये क्रॉस याद करना क्रॉस उसमें माइनस का फर्क होना चाहिए क्रॉस है ना इसलिए माइनस आता है सीधा होता है माइनस होता नहीं जैसे किसी ने क्रॉस किया वैल्यू घट जाती है वैसे क्रॉस क्रॉस वैल्यू वैल्यू में लेना उसमें माइनस का फर्क फॉर एग्जाम्पल मैं सम करके दिखाता हूं यह डिफरेंशियलेशन डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव अपॉन टू एक्स प्लस वाई माइनस वन अब यहां पर क्रॉस देखो क्रॉस ए माइनस का फर्क आ रहा है किसने क्रॉस किया तो वैल्यू घट जाती है वैसे क्रॉस किया तो माइनस का फर्क है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये एग्जैक्ट है लेकिन प्रोसेस से मैं बताता हूं बच्चे लोग बहुत सिंपल है इज इज वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ और बी वन इक्वल टू माइनस ए टू कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ये आपको एक अप्लाई मेथड हुआ लेकिन आप लोग नॉर्मल मेथड से क्या करते बच्चे लोग क्रॉस मोटिविशन करोगे नॉर्मल से करेंगे क्रॉस एक्स माइनस टू वाई प्लस इंटू डी लोग टू एक्स प्लस वाई माइनस वन इंटू डी बोलो x माइनस टू वाई प्लस फाइव इंटू डी एक्स ये पार्ट इधर जाएगा तो माइनस आएगा बच्चा पूरा टर्म के आगे माइनस अभी आप सिंप्लीफाई करोगे x माइनस टू वाई प्लस फाइव इंटू डी एक्स प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो अभी आप इसे एमडीएक्स प्लस dy के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चे लोग ये हम एम डी एक्स प्लस एनडीवाई के फॉर्म में लिखेंगे और जनरल सोल्यूशन का फॉर्मुला तो सबको मालूम ही है so it is Is equal to 0. What is value of m? M is x minus 2y plus 5. What is value of n? Minus 2x minus y plus 1. What is da by m by daba y? Minus 2. What is dab by n by daba x? Minus 2. And this condition is true. And hence given condition equation is exact differential equation.

इन टू डी टर्म्स ऑफ वाई एस कॉन्सटेंट टर्म्स इन एंड थ्री फ्रॉम एक्स आपको एंड में ऐसे टर्म लेना जहां नहीं है फर्स्ट टर्म एक्स नहीं लेंगे सेकेंड टर्म आएगा और थर्ड टर्म भी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो जीरो करना बिकॉज ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन ऑर्डर मीन डेटिव जितना ऑर्डर उतनेट तो आप किधर भी सी एड कर सकते हैं अभी यहां पर बोलो बच्चे लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस टू आई कॉन्स्टन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स माइनस वाई डी वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू सी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्स टू आई वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस फाइव वन का इंटीग्रेशन एक्स वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वेयर बाई टू तो मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा अगर ये सम समझ में आए बच्चे लोग आप लोग ये कॉपी कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगला सम बच्चों ने खुद करना चाहिए ये सम अगर आपने खुद करके दिखाया तो आपको टॉपिक अच्छा आएगा तो क्या करना बच्चे लोग वीडियो पॉज करना और ये सम करके दिखाना करके दिखाना बीवन इनस टू

Minus 2, what is daba n by daba x? It is minus 2. So, both conditions are same, both values are same. So, given equation has this condition which is true, and hence given equation is said to be exact differential equation. Given differential equation is exact differential equation. Now, what is general solution? General solution is, Bolo integration of m dx. प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो कीप वाई एक्स बोलो एम इज फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इनटू डी एक्स इज कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स एन में ऐसे टर्म लेना जहां पर एक्स नहीं है तो सिक्स वाई माइनस टू इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अभी ये क्या होगा फोर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस टू वाई कॉन्स्टन इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई इज इक्वल टू सी सो फोर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्स टू वाई इंडिशन ऑफ वन इज एक्स इंडिशन ऑफ वन इज एक्स सिक्स वाई का इंटीशन बाई टू माइनस टू टू सी ओके तो इस टाइप से बच्चे लोग आप लोगों का आंसर मैच होगा तो मैं सजेशन देता हूं हर बच्चे को प्रैक्टिस तो करना ही है प्रैक्टिस तो करना ही है जो बच्चा तीन बार लिखेगा हर सम उसको आगे का पार्ट और सिंपल बनते जाएगा जो बच्चा तीन बार लिखेगा आगे के टॉपिक सिंपल बनते जाएंगे आपको यह फॉर्मूला मुझे याद कराना है इसके आगे हमें बहुत बार लगते बच्चों को याद आता नहीं इसलिए मैं फॉर्मूला एक बार समझा देता हूं ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करना सेन बाई एक्स का डेट माइनस डेट ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन बाई एफ ऑफ एक्स का स्क् इंटू डेट ऑफ एफ एक्स सेम लॉजिक खाली एक्स की जगह पर ऑफ एक्स उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह पर एक से आना चाहिए ऐसा रूल नहीं है साइन डेट ऑफ साइन कॉस डेट ऑफ साइन कॉस स्कॉस डेट ऑफ साइन ऑफ ऑफ एक्स इट इज कॉस ऑफ एफ ऑपेक्स इंटू डेट ऑफ एफ ऑफ एक्स देश एक्स

और डेट ऑफ फंक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेट ऑफ फंक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बच्चे लोग ये यार्मिस्ट बहुत मेरे हैं और इसका बेस क्या है आपको ये फॉर्मुलिस मालूम है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर बच्चे को ये फॉर्मुला तीन बार बोलना है डेट ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स वन बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डेट ऑफ वन बाई एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर स्क्टू एफ डैश एक्स डेट ऑफ साइन एक्स कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स डेट ऑफ इफोपक्स इरेस्ट टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डेट ऑफ एफ ओप एक्स टू एन एंड एक्सुडेंट माइनस वन इन एफ डैश एक्स ये नोट मुझे समझाना समझाना बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे विश्वास है मैं जो ट्रिक बोल रहा हूं जो ट्रिक दे रहा हूं ये मिलेगा ही नहीं आपको मुझे विश्वास है बच्चे लोग इसलिए आप वर्ल्ड क्लास सीखो वर्ल्ड क्लास सीखो वर्ल्ड क्लास सीखो देखो ये पार्ट मैं इसे बताया है। अगर समटाइम्स टर्म लाइक लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंस ऑन तो यहां पर इट इज कन्वीनियंट टू यूज अनदर फॉर्मूला फॉर जनरल सोल्यूशन ओके लॉग ऑफ एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर या समाइम लॉग वाले फंक्शन तो जब ये टाइप के फंक्शन अगर एम में होगा तो आप जनरल सोल्यूशन के लिए दूसरा फॉर्मूला आपके लिए कन्वीनियंट है आंसर दोनों से आता है लेकिन सेकंड से आंसर दिया जाता है क्यों एम के लिए लॉग का इंटीग्रेशन निकालना डिफिकल्ट बनता है वन इंटू लॉग करके तो आप जनरल सोल्यूशन के लिए सेकंड फॉर्मुला यूज करना फॉर एग्जाम्पल यहां पर वन एम डी वेल्यू ऑफ एम वन प्लस लॉग एक्स वाई वाडी वेल्यू ऑफ एन वन प्लस एक्स वाई बहुत सिंपल है वट इज डेबा एम बट डेबा वाई वन का डे टू जीरो वन बाय एक्स वाई और वाई का कोई पिशन एक्स x get cancelled it is cancel one by y x get cancelled 1 by y what is by in by daba x what is by in by dab x x se ge, keep terms of y as constant keep terms of y as constant So 1 ka derivative 0 derivative of x with respect to x is 1 1 by y constant as it is and it is simply 1 by y

नाउ सेकंड स्टेप जनरल सोल्यूशन बोलो बच्चों व्हाट इज फॉर्मूला फॉर जनरल सो सोल्यूशनियंट टू यूज सेकंड फॉर्मूला कन्वीनियंट तो हम लोग एन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो जब वाई से करोगे एक्स कॉन्स्टेंट और एक्स से करोगे फ्री वाई लेना सेम सेम लॉजिक सेम लॉजिक खाली उल्टा कर रहा हूं आंसर जल्दी आएगा देखो एन क्या होगा पटी बोले आप एन बोलो बच्चे लोग एन मतलब वन प्लस एक्स बाय वाई डी वाई यहां पर आपको एक्स कॉन्स्टेंट लेना है टर्म्स इन एम फ्री फ्रॉम वाई एम में ऐसे टर्म लेना जहां पर वाई नहीं है ये एम है यहां पर वाई नहीं लेना ऐसे टर्म तो दो ही टर्म्स है फर्स्ट में वाई नहीं ये लेंगे सेकंड में वाई नहीं लेना तो ये सिंपली वन आएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन डीवाई इंटीग्रेशन ऑफ वन डीवाई नेक्स्ट अभी आपको एक्स कॉन्स्टेंट है वन बाय वाई डीवाय ओके इंटीग्रेशन ऑफ वन मैं एज इट इज रखता हूं वन का इंटीग्रेशन वाई प्लस एक्स ये आ जाएगा बच्चों लोग लॉग वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी तो मुझे विश्वास से, है आप सेकंड से और फर्स्ट से करके देखो आपको थोड़ा टाइम वेस्ट होगा टाइम वेस्ट होगा आपको ये अच्छा लगेगा ये सब देखो लॉग वाले समय तो आपको बाकी पार्ट तो सिंपल है देखो बच्चे लोग मैं करके दिखाता हूं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वट वेल ऑफ एम लॉग ऑफ एक्स स्क्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्सक्स स्क्स वाई स्क्वायर वट इज डाबा एम बाई डाई वाई से करें लॉग ऑफ एफ ऑफ वाई का डेट मैंने लिखी दिया था अभी लॉग ऑफ फंक्शन का डेट वन बाई फंक्शन इंटू डेट ऑफ फंक्शन एक्स रिस्पेक्टर का जीरो करे ना जैसे का square, मैंने भी लिख दिया था फॉर्मूला वन बायक्शन का डेरेटिव माइनस वन बाय फंक्शन का स्क्वेयर इंटू डेट ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई तो यह आ जाएगा बच्चे बराबर है तो याद जाएगा टू वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर डेबाइन बाय डेब एक्स आपको दोनों में एक है तो आपको डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा डिवीजन रूल बोलो व्हाट इज डिवीजन रूल डिनोमीटर स्क्वायर बहुत सिंपल है डिनोमीटर एज इट इज डेट ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स का वन हो जाएगा टू वाई माइनस टू न्यूमरेटर एज इट इज डेट ऑफ डिनोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वेयर का डेट टू टू एक्स अभी आप लोगों को अप करना है मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमीटर बहुत सिंपल है बच्चे रेटर अपॉन डिनोमेटर बोलो तो एक्सक्र प्लस वाई हट जाएगा इट इज टू वाई बाई एक्सर प्लस माइनस प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर ये अप माइनस ये अप सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन बोथ वैल्यूज आर सेम सो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज ट्रू डाबा एम बाय डाबा वाई इज इक्वल टू डाबा एन बाई डाबा एक्स एंड इट इज एक्ट डिफर न सेकंड स्टेप वेरी सिंपल बच्चों जनरल सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एंड आपको मैंने बोला है इंटीग्रेशन ऑफ एन डीवाई सेकंड टर्म पर ले लेना बाद में फर्स्ट टर्म बाद में लेना और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो तो आपको लेना ही है उल्टा होता है सेकेंड टर्म पले अभी वाई से करोगे तो एक्स कॉन्स्टेंट लेना एक्स से करोगे टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स लेना इतना आइडिया अच्छा है बच्चों अभी एन मतलब क्या होगा टू एक्स वाई डिवाइडेड पर एक्स कांस्टेंट लेना टर्म बताना जहां पर एक्स नहीं है दोनों में x है फर्स्ट टर्म में भी x है सेकंड टर्म में भी x है इसलिए ये पार्ट लेना नहीं बच्चे लोग अभी एक्स कॉन्स्टेंट एक्स बाहर लेता हूं टू वाई बाय एक्स स्क्स वाई स्क्मूला इंटीगेशन ऑफ जीरो आप एक ही कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि ऑर्डर वन है अभी यहां पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मालूम है हर बच्चे को मालूम है इतना सिंपल है कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने बच्चे लोग आप लोगों को एक फॉर्मुला बहुत अच्छी तरह मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ एपड ऑफ ऑन एप इज लॉग ऑफ एप ये फॉर्मूला यूज किया जब भी कोई इंटीगल में डिनोमिनेटर का डेट न्यूमरेटर में अगर होगा डिनोमिनेटर का डेट अगर न्यूमरेटर में होगा तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिया जाता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिया जाता है इसलिए एक्स स्क्र का डेट यू जीरो वाई स्क्र का टू आए इसलिए लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एंड हिंस द आंसर तो बच्चे लोग मैंने बहुत अच्छी तरह कवर किया हुआ है आपका आप लोगों को सारे एग्जैक्ट के सम्स लिख के प्रैक्टिस करना है एक सम तीन बार एक सम तीन बार क्वेश्चन देखकर समझना चाहिए कि एग्जैक्ट के कैसे